गैर कानूनी मदरसों को लेकर आज भी सर्वे का काम जारी है। जिला अधिकारी के नेतृत्व में सभी 75 जिलों में सर्वे टीम एक्शन में है। अवैध तरीके से चल रहे मदरसों की पहचान की जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, थोड़ी ही देर पहले लखनऊ के नदवा मदरसे में सर्वे की टीम पहुंची है। दारुल उलूम नदवा मदरसे में अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। अफसर 12 कॉलम के फॉर्मेट के जरिए मदरसे के संचालन की पूरी व्यवस्था को जानने की कोशिश कर रहे हैं। 12 फॉर्मेट में सबसे पहले मदरसे का नाम, किस नाम से जमीन रजिस्टर्ड है, संपत्ति कहां से आती है, इसे कब से चलाया जा रहा है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसमें कितने लोग पढ़ाने वाले, स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, इन तमाम पॉइंट्स को शामिल किया गया है। कुल 12 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनको लेकर मदरसे का सर्वे किया जा रहा है। कल बाराबंकी की टीम पहुंची थी और बाराबंकी में भी कल कई मदरसों का सर्वे किया गया है। 101 मदरसे लगभग बाराबंकी में संचालित हैं और आज लखनऊ में मदरसे में इस वक्त सर्वे चल रहा है। नदवा मदरसे में सर्वे की टीम पहुंची हुई है। 12 पॉइंटर्स के आधार पर मदरसे का सर्वे किया जा रहा है। कल अधिकारियों की ओर से जानकारी भी दी गई थी कि उन्हें अभी तक पूरी तरह से मदरसे की ओर से भी सहयोग मिल रहा है। तो जो लोग अफवाह फैला रहे थे, जिन लोगों को ये डर था कि मदरसे बंद करने के तौर तरीके पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि मदरसों को और व्यवस्थित बनाने के लिए ही ये सर्वे किया जा रहा है। जांच के लिए पहुंचे अफसरों की टीम ने सर्वे को लेकर जानकारी दी है। सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, ऐसा शासन के द्वारा एक निर्धारित प्रारूप दिया गया था जिसमें 11 बिंदुओं पर सूचना लेने के निर्देश दिए गए थे। उसी 11 बिंदु पर हम लोगों ने इनसे सूचना लिया है, जैसे किसका नाम क्या है, कौन सी संस्था इसको चलाती है, कब इसकी स्थापना हुई, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर इसमें हैं, और दूसरी चीज़ जो इनका पाठ्यक्रम क्या है, और इनके इस मदरसे को चलाने का जो है आय स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है, फंडिंग को भी आपने जांचा कि पैसा कहां से, हाँ फंडिंग को भी देखा है। तो ये तो आपने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए कहा था, ये नदवा तो बहुत पुराना 1896 से कर संचालन, लेकिन ये हमारे अरबी जो हमारा जो मदरसा शिक्षा परिषद है उससे मान्यता प्राप्त नहीं है। ये हम उन्हीं सारे मदरसों को देख रहे हैं जिनकी मान्यता हमारे यहाँ से नहीं है, गैर मान्यता के रूप में वो संचालित है। तो कह रहे हैं हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं। नहीं, ठीक है, वो तो देखिए ऐसा ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, इनसे हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लिया गया है। बाकी इसमें जो हमें फॉर्मेट आपका है जी, फॉर्मेट इसी फॉर्मेट पे हमने इस पे बात किया है और इसी पे इंफॉर्मेशन लिया है। लखनऊ में आपने यही शुरुआत की? नहीं, और जगहों पे हुआ, लेकिन आज यहाँ पे हम लोगों जो है, आप यहाँ पे आने के बाद जो है सर्वे। तो अगर ये मान्यता प्राप्त नहीं आपके जो मदरसा शिक्षा परिषद है, तो फिर इतने दिनों संचालित कैसे हो रहा है? नहीं, ऐसा है, देखिए ये तो यही सर्वे की बात है। सर्वे जो हम लोग कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध करा देंगे। हमें इसमें कोई प्रश्न नहीं करना है, न इसकी जांच है, ये सिंपल से डाटा कलेक्शन की बात है। आप इसको दे देंगे डीएम को, रिपोर्ट सौंपेंगे? हाँ, जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को चला जाए जी, निर्णय भी रद्द हो सकती है? नहीं, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये शासन को है। हाँ, ये शासन को निर्णय लेना है। और आइए आपको सुनाते हैं कि सर्वे को लेकर क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। मदरसा के संचालन में लगे मौलवी ने इस पर जानकारी दी है, सुनिए जरा। और उसका फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, उस फॉर्म के हिसाब से हमने जवाब दे दिया है। और कुछ भी पूछे गए? कुछ नहीं, इस फॉर्म के अलग से कोई सवाल नहीं पूछा गया। वो जो 11 नुक्ते हैं वो आपको भी मालूम है, फॉर्म सबको जा चुका है और बस उसी के तहत ही सवाल नुकता नहीं है। बस उसमें मदरसे की तारीख पूछी गई कि मदरसा कब इस्टेब्लिश किया, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन सा निसाब आप चला रहे हैं, कोर्स चला रहे हैं, कितने टीचर हैं, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।